गाइस चीना ने बदल लिया है अपना लुक। गुड मॉर्निंग, तो करते हैं ब्लॉग की शुरुआत आपके प्यार के साथ। गाइस सुबह सुबह बनाई जा रही है चाय नाश्ते के लिए, और बस ठंड बहुत ज़्यादा है। पूजा वूजा हो चुकी है हमारे बंदे को, बस नाश्ता करके दुकान में जाने की तैयारी है और चाय बन रही है। आपको दिखाता हूँ मैं, अदरक वाली चाय। चाय का पानी बहुत अच्छे तरीके से उबल रहा है, अदरक को बढ़िया तरीके से कद्दूकस के डाल रहे हैं। गुड मॉर्निंग। मौसम कैसे हो रखा है? देख सारा धुंध धुंध वाला मौसम हो रखा है। हाँ जी। आज जल्दी जल्दी नहा चुका है? हाँ। तैयार हो गया? कहाँ जाने की तैयारी है? कहीं नहीं, ट्यूशन जाना। ट्यूशन जाना, जल्दी जाना आज। और क्या खा रहा है? चॉकलेट। किसने रखी थी? एक भाई की है, दो है? नहीं बाबू, देख मेरी प्रभु देव बात सुनो, ये काम नहीं करते। फिर मैं भाई को, अगर तेरे को दो दिए फिर भाई को मैं चार दूंगा, क्योंकि वो बड़ा है, मेरे पास और भी हैं। डब्बा नहीं ला के रखा। तो गाइस बाहर जो मौसम है ना, सुबह सुबह बहुत अजीब सा मौसम हो रखा है ना, धूप निकली है ना कुछ निकली है, बादल छाए हुए हैं। और बस नाश्ता वाश्ता हमने कर लिया, शॉप पे जाने की कर रहे हैं तैयारी। और गाइस आज गाजर के हलवे की रेसिपी आ गई होगी, आप देख लेना, शाम को 4 बजे के करीब आ जाएगी। कौन है भाई? चाय हमारी हो चुकी है, अच्छे तरीके से उबल चुकी है, अभी पियेंगे चाय। वगैरह मैंने कर लिया था और सब कुछ, चाय पीने की दोबारा इच्छा हो रही थी क्योंकि ठंड है बहुत ज़्यादा। और चाय पी के अब जाते हैं सीधा शॉप पे। और कल रात को बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे क्योंकि भाभी जी का बर्थडे था, 12:30 बज गए थे। उसके बाद ब्लॉग एडिट कर रहा था, सोते सोते तकरीबन वही 2:30 बज ही जाते हैं आराम से। बस डॉली भी पूजा वूजा कर रही है। मैं आ गया था लंच के लिए और ये पीछे ये प्रभुदेव हंसी जा रहे हैं। और हाँ जी, क्या बनाया भाई? क्या बनाया है? मशरूम फ्राई। मशरूम फ्राई है, मशरूम फ्राई। गाइस मशरूम फ्राई बनाई है डॉली ने। मुझे खाना नहीं मशरूम फ्राई। मशरूम फ्राई खानी नहीं है? प्याज के साथ रोटी खा ले। प्याज के साथ रोटी खा ले। प्याज नहीं, प्याज का परांठा नहीं, प्याज ले ले, हरी मिर्च ले ले। बना दिया मैंने परांठा, सलाद बना दिया। फटाफट करो, मेरे को दे दो लंच। सब्जी पड़ी, आलू गोभी की खा ले। लंच दे दो, टाइम हो चुका है, काफी ज्यादा लेट हो गया मैं। लंच दे दो पहले, इसको बोलो खाए लंच। ताको खड़ा हो जाओ, शराफत से खा ले मशरूम, बड़ी अच्छी होती है मशरूम। नींद आ रही है, सो जाए तो आराम से। बाहर गंदा सा मौसम हो रखा है गाइस, मैं आपको दिखाता हूँ। इतना नींद आ रही है, इतना बेकार सा मौसम हो रखा है, मतलब बता नहीं सकते ना, धूप में ना कुछ है, सुबह से ऐसे हो रखे है मौसम। बस लंच हो चुका है और ये प्रभु देव हमारी जो पीछे खड़ी है अर्धांगनी, इन्होंने बनाए थे गार्लिक मशरूम। लहसुन का फ्लेवर बड़ा सही आया था मशरूम में यार। वैसे गाइस लहसुन का फ्लेवर बहुत अच्छा मशरूम के अंदर आता है। आपने कुछ नहीं करना, लहसुन को हल्का सा फ्राई कर लेना है, मशरूम काट के उसमें डाल देना, प्याज डाल देना और सिंपल मसाले डाल देना, बेसिक बस। नहीं वो भी बनता है चिली मशरूम। हाँ चिली, वो तो सोया सॉस वगैरह वाला बनता है ना, सोया सॉस, सिरका, अजीनोमोटो वगैरह सारी चीजें डाल के वैसे भी बनता है वो चिली मशरूम हो जाता है। उसमें पनीर डाल दो, पनीर के टुकड़े डाल दो। हाँ बनाया तो था, एक बार मैंने बनाया तो था अभी पीछे, मगर ये सिंपल वाला सही रहता है, उसमें गार्लिक का फ्लेवर अच्छा आता है। काकू को पसंद नहीं आ रहा, वो पता नहीं अब क्या खाएगा, मुझे समझ नहीं आ रहा। और मौसम देख लो गाइस, बाहर कितना गंदा सा मौसम हो रखा है ना, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और साथ को देख लेगी, कहाँ पे क्या हुआ है चलो ठीक है। मैंने लंच अच्छा, गाजर का हलवा मैं सबको दे दो, मामी को भी नहीं दिया, मैं दे के आ जाके वो दिया सबको, रखा हुआ, पकड़ा तो जाओगे तो मैं जा रहा हूँ और वहीं दूसरी साइड से। भाई बस टाइम हो चुका है चाय पीने का, मगर ये चाय आए हुए तकरीबन 1.5 घंटा हो चुका है और मैं 4 बजे चाय लेकर आया था और टाइम हो चुका है, कितना हो गया है, 6:20, 6:20 हो गए हैं, 4:15 बजे आया था, 2 घंटे हो गए हैं। शबोया गिलास ले यार, चाय वाय पीते हैं, ये सारा माल खुला हुआ है अभी यार, क्योंकि कस्टमर लगे हुए थे बाहर, बहुत ज़्यादा कड़ाके की ठंड है, एकदम मस्त वाली ठंड होती है जो बाहर का मौसम है ना। मंदिर का दर्शन कर लो आप, और जो बाहर वाला मौसम है कड़ाके की ठंड हो रखी है बिल्कुल। जैकेट मैंने ऊपर तक कर रखी है बंद, और एक दो जैकेट अभी डॉली ने निकालनी है यार, एक मस्टर्ड कलर है, एक ब्लैक कलर है, और भी जैकेटें पड़ी हुई हैं अंदर, क्योंकि ये मोटी वाली डाली है ना, इसमें ठंड नहीं लगती, बाकी तो नॉर्मल पतली वाली जैकेटें हैं पड़ी। और ये देखो गाइस ये डिज़ाइन बना हुआ है बोट का। और बस चाय वाय पीते हैं यार, फिर करेंगे काम थोड़ा सा। कल रात को भी जाते जाते शबो या रात को 10 बज गए थे ना, मैं जाते आते 10 बज गए। हरे कृष्णा कितने अच्छे लड्डू गोपाल। ये देखो सारे थान में ऊपर कटिंग करने लगा था और ये सारे के सारे थान नीचे गिर गए हैं, अब दोबारा से सब वो ये लगाने पड़ेंगे यार थान, सामान इतना आया हुआ है कुछ कहने के। ये लड़का कहाँ से आ रहा है? ये लड़का है आ रहा है, मैं शॉप में आया था, मैंने कहा यार घर पे कोई भी नहीं है, ना सार्थक है ना काकू है, ये दोनों जने गए कहाँ पर? तो कहाँ पर गए थे भाई साहब आप? नानी के घर गए थे जी ये। और कितनी देर हुई आपको गए हुए? मेरे को 2-3 घंटे।
दो तीन घंटे हो गए गए हुए। तो क्या करके आए हो? खेल कर आए हो। तो गाइस ये आ गया नानी के घर से छुटका, और ये घर में बने थे मटर मशरूम। हमारे क्या बनाए थे? गार्लिक वाले मशरूम। अब ये ना मशरूम से बच रहा था कि दोपहर को फटाफट ये चले जाएगा भाई साहब। अब इन टॉस लेकर आया हुआ है नानी के घर, कुछ और अलग बना हुआ मैं खा लूंगा फटाफट जाकर। मामी के पास गया, उन्होंने भी मटर मशरूम बनाए हुए थे। खा के आया था फिर? आलू का पराठा। मशरूम ये नहीं खाता। सार्थक को बड़े अच्छे लगते हैं गाइस। और ये रोटी के साथ एक साथ तरी एक रोटी पड़ी, उसने अपनी रोटी भी खा ली। अपनी खाना भी रोटी भी खा के अपने मशरूम खाता है। मशरूम ऐसे ही खाता है। और ये सारा मीठा मत खाइए इतना सारा, ठीक है ना? तो गाइस बस अब करते हैं डिनर की तैयारी। डिनर में क्या, ये मैडम जी क्या कर रही है मैं बता दिखा देता हूँ आपको। मैं कपड़े धो रही हूँ। इधर आता हूँ, हवेली में आता हूँ। ये देखो, ये एक ये मशीन लगा रखी है, फिर एक ये लगा रखी है। हमारे गाइस कहेंगे दो दो मशीनें लगा रखी है। और ये ठंड में दो दो मशीनें ठीक रहती है ना, जल्दी धुल जाती है। ये रात के टाइम कौन कपड़े धोता है? ठंड में धोना बंद करो। रात के टाइम इसलिए धो दो कि सुबह पूरा दिन हवा और धूप थोड़ी आएगी तो नींद लग जाएगी। अगर सुबह धोऊंगी किस टाइम धोऊंगी उस टाइम डालूंगी। अब कितनी देर का सीन है आपका? थोड़ी देर का। ये तो जुराबे है, वो गंदे गंदे जुराबे बहुत होता है ना, वो छोटी मशीन में सही रहता है ना। डिनर की तैयारी करो। कहाँ से आ रहा है? जिम से। जिम से इतनी रात को क्यों? आज मैं लेट गया था अमन के साथ। अच्छा। तो गाइस आज काकू पूछ रहे हैं भाई साहब से कि आप इतनी रात को, भाई साहब कहाँ से आए हो आप? रात को नहीं, अभी 10:30 बज गए हैं। आज लेट गए थे? हाँ, कितने बजे गए थे? आज गया था 8:30 बजे। 8:30 तो 10:30 बजे सही टाइम पे तो आ गया भाई, 2 घंटे में तो आ गया जिम से। हाँ। अब क्या खाना है तुम लोगों ने? फटाफट जल्दी बता दो। पनीर टोस्ट। तूने बना दो वही। बना दो वही खा लूंगा। पनीर टोस्ट खाते हुए तेरा मुंह ऐसे बन रहा है, हद हो गई। मशरूम की सब्जी के नाम से तू भाग गया नानी के घर। है? चीना ने बदल लिया है अपना लुक। किसने लुक बदला है ये बाद में बताएंगे। ये बाद में बताएंगे क्योंकि जनवरी में है बहुत सारे फंक्शन हमारे घर में, मतलब डॉली के रिलेटिव में भी है और इधर भी है, तभी करके हमारी बार बार। अभी तो कल भी है, अभी कल भी फंक्शन है। और तो मैंने कलर करा लिया। मैं बहुत टाइम से रुकी थी, मैंने कहा नहीं थोड़ा निकलने दो, पूजा की शादी में निकल जाए, क्योंकि शादी में ना कई बार ना पता नहीं चलता, अच्छा लग रहा है। हेयर स्टाइल जच रहा है। और मैंने उनको बोला कि जिससे मैंने पहले था ना वही कर दो, वो रेड बोल रहे थे। मैंने कहा नहीं नहीं रेड नहीं, ये वाला ये सही कलर है, ये आजकल चल रहा है, सही कर रहा चल रहा है ये वाला कलर। ये कलर बोल रहे थे वही। अरे नहीं नहीं, ये वाला बरगंडी रेड है ना। नहीं नहीं, ये तो बड़ी अच्छी। मैं कह रही बहुत अच्छा लगेगा ये। वो अब डॉली डॉली की मेरे पे चाची पर बहुत लोग करा रहे, तो वो उस हिसाब से कहते कि करा लो, बहुत लोग करा रहे हैं। बट हर चीज नहीं सूट करता ना, कई बार रेड कलर का मुझे ना पूरा टाइम कैमरा के आगे रहना है, ये वो हर टाइम बार बार लोग बोलते रहेंगे एक ही बात। हाँ, नहीं चक्कर ये है ना, इसका डॉली का भी कराना है क्योंकि उसका भी बालों का वो लेके जा रही है, मेरे चेंज करने 3-4 फंक्शन है, फिर वहाँ पर जाना पड़ेगा। बालों को करवाने को हेयर स्टाइल बनाने की जरूरत ही पड़ेगी ना। मेरी मम्मी ओपन ही रखा सही है। अच्छा टचअप करा के, कलर नहीं करा क्योंकि कलर मम्मी के वाइट हो रहे हैं, तो कलर करा के फिर वो तो नहीं। इसने फिर अगर साड़ी वगैरह डालेगी कुछ डालेगी तो इसका स्टाइल बनेगा, सब कुछ बनेगा, इसका स्टाइल खराब हो जाएगा। ये देख ले स्टेट स्टेट वालों कराने से पहले ये देख ले कि क्योंकि अगर वो स्टेट वालों पे स्प्रे, पूजा की शादी पे कराया था क्योंकि वो मारेंगे स्प्रे चाची, सारे बाल खराब हो जाएंगे। मम्मी के बाल मेरे कैसे खराब हो गए, नैन्सी की शादी पे स्प्रे मार दिया था सारा, सारे बाल खराब हो गए। मैं वही तो कह रहा हूँ, सोच समझ के फिर करवा मत कराइयो। शादी फंक्शन अब पूजा की शादी पे तेरे बाल का हेयर स्टाइल हुआ था, अच्छा हो गया था, सब बढ़िया हो गया था। शादी पे स्मूथनिंग इसलिए तो नहीं करा क्योंकि वो स्प्रे मारते हैं, स्प्रे से ना स्मूथनिंग सारा। साथ में स्ट्रेट करवा के जूड़ा और रोल वगैरह करो ना, बालों की लुक खराब हो जाती है धीरे धीरे। तो मैं तो आपको ये कहती चाची, आप ना नकली बाल लेना एक, उससे ही मैंने एक नकली बाल लिए थे, 6 फंक्शन निकाल दिए मेरे। हैवी आती गुत बनवा लो, कुछ भी कर लो, खोल लो एक नकली बाल। तेरी ये बालों की स्टाइल बहुत सुंदर, ये साले को बिल्कुल वो जिसको क्या कहते हैं ध्यान नहीं आ रहा कौन सा कट कहते हैं। तो अली बारी तो करवाने गई थी ना ये वाला कट, स्टेप कटिंग। हाँ स्टेप कटिंग, हाँ स्टेप कटिंग है। नहीं मेरी लेयर कट है, लेयर कट है, लेयर कट है ना, मेरे बालों पे लेयर कटिंग जचती, स्ट्रेट करने के बाद जचेगी, अदरवाइज ऐसे नहीं जचेगी। बालों का चाची आपके ना कर्ली हो चुके, मेरे है ही ऐसे ना। हाँ स्ट्रेट बालों में अच्छा ये मतलब लुक अच्छा आ गया, प्रॉपर लुक आ गया एकदम। इसमें थोड़ा बहुत वाइट बाल हो तो वो भी नहीं बदल रहा। बनाए जा रहे हैं तवे के ऊपर,
ग्रिल वाले सुनहरी टोस्ट, और ये टोस्ट बन रहे हैं। प्याज है, टमाटो है और पनीर है, बस तीन चीज़ें हैं। और चिली फ्लेक्स है और काली मिर्च है, ओरिगैनो है, ब्लैक पेपर है बस। और बढ़िया से हमारे टोस्ट डिनर के हो रहे थे। बर्थडे गाला हमारे आगे, बर्थडे खत्म होने वाला है बस अभी थोड़ी देर में। थैंक यू सो मच यूट्यूब फैमिली, जो हमारी अपनी फैमिली है, तहे दिल से शुक्रिया जो आप लोगों ने कमेंट्स भर भर के दी। आज मेरे को इतने कमेंट्स आए, इतने कमेंट्स, सब में यही था हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे। तो गाइज आप इतना प्यार देते हो, मैंने कहा मेरे ब्लॉग में भी जितने हमारे फैमिली मेंबर है सारे एक ही है, मगर एक बारी भाभी जी को बोल दूं कि आपको दिल से शुक्रिया अदा कर देगी जो आपने इतने दिल से इनको प्यार दिया। थैंक यू सो मच, बहुत कमेंट्स आए हैं आपके, थैंक यू सो मच इतना प्यार करने के लिए, थैंक यू सो मच गाइस। तो गाइस हमारा ब्लॉग चल रहा है, ये खा रहा है हलवा, और ये सारा हलवा इसी बच्चे ने खाया है। आप लोग भी खा लो। तो गाइस ये हलवा बच गया हमारा, हमारा हिस्सा इतना सा बचा है क्योंकि सबको बिल्कुल सबका मुंह मीठा करा दिया है। मासी का भी करा दिया है, मामी का भी करा दिया है, बड़ी मम्मा का भी करा दिया, इनकी चाची का, सोने मम्मा का, और सारी मामियों का करवा दिया। शब्बू भैया के लिए रख दिया, वो सुबह लेके जाऊंगा मैं, ठीक है ना। सबका मुंह मीठा करा दिया है, साथ भी अपने फ्रेंड के लिए ले गया था, सबने खा लिया। अब इतना देख इतना सारा हलवा बना, सबने खा लिया बेटा। 5 किलो गाजर थी, उसमें से 3.5 किलो 1.5 किलो के आसपास का वो निकला होगा, 3.5 किलो ऐड के पैसे आते हैं, ऐड इसके जरिए चलता है ये। तकरीबन 90 सेकंड की ऐड आ रही है, हमारा ब्लॉग चल रहा है और इसमें तकरीबन 90 सेकंड की ऐड आ रही है, ये खत्म होगी मैं आपको दिखाऊं। तो गाइस ये दूसरी ऐड लग गई है, अब दो ऐड लग गई है, अब ये लगी है 20 सेकंड की ऐड। तो गाइस ये देखो, ये इसके हमें एडसेंस जो होती है ना, जो रेवेन्यू होता है वो इस चीज़ के लिए आता है। और ये 7 सेकंड की ऐड रहने वाली है अभी, और ये ख़त्म होते ही हमारा 1 सेकंड रह गया, स्टार्ट हो जाएगा ब्लॉग हमारा। ये स्टार्ट हो गया हमारा ब्लॉग, ये वाला हमारा ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है। और जूडियो में कहते हैं, जूडियो वाला ब्लॉग चलाया हुआ है इसने काको ने। टाइम हो चुका है ब्लॉग के एंड करने का, और इसी के साथ हम ब्लॉग का कर रहे हैं एंड, और मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और बताओ भाई सब कुछ। और बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो गाइस कम से कम भी 5 किलो गाजर थी, 1.5 किलो उसमें से वो निकला छिलका, 3.5 किलो हलवा निकला, और उसमें से कम भी 3.25 किलो काकू ने खा लिया है। 3.25 किलो काकू ने खा लिया है। हमने सिर्फ कितना खाया, 250 ग्राम। नहीं मैंने नहीं खाया। कितना खाया है? मैंने कम से कम, मैंने 1 किलो से तो कम ही खाया। 1 किलो से कम खाया काकू ने, 500 ग्राम खाया। काकू ने सबसे ज्यादा हलवा खाया, और टेस्टी लगता है यार हलवा, वैसे टेस्टी लगता है, और बहुत अच्छी रेसिपी है। एक बार देख लेना काकू फैमिली ब्लॉग में जाना, और फटाफट देख लेना रेसिपी को, और मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।